गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग आपके एग्जाम को देखते हुए मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला हम लोग प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यह कांटेक्ट नंबर है 7618025304। यह व्हाट्सएप नंबर भी है और कांटेक्ट नंबर भी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आंसर जानने के लिए, अथवा फिर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर हम लोग पढ़ देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए है नल्ली सेन गुप्ता, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, और ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। ध्यान रखिएगा आप लोग, बताइए आंसर इसका क्या सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, यहाँ फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही आंसर होगा बी, ध्यान रखिएगा आप लोग। और एनी बेसेंट को आप लोग न करिएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय महिला, तो एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई थी। लेकिन यह एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट इनका पूरा नाम था, लेकिन यह भारत की रहने वाली नहीं थी, यह आयरलैंड की थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, यह भारतीय महिला नहीं थी। जबकि प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, और 1925 में सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी कानपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की, ध्यान रखिएगा। और यह एनी बेसेंट 17 में की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस प्रकार यह प्रथम भारतीय महिला थी। अगर यूनिवर्सल क्वेश्चन रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय शब्द यह नहीं रहता, अगर भारतीय शब्द नहीं रहता तब इसका सही आंसर होता एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन केवल यही रहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब इसका आंसर एनी बेसेंट होता, ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला लिखा है, यानी प्रथम इंडियन की बात कर रहा है, तो एनी बेसेंट इंडिया की रहने वाली नहीं थी अपितु आयरलैंड की थी। जबकि सरोजनी नायडू इंडिया की थी, या इंडियन वोमेन थी, या भारतीय महिला थी, और इन्होंने कानपुर में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ओके। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कब किया। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कब किया। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी 1924, और ऑप्शन डी 1926। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन
गांधी जी ने जो बेलगांव में हुआ था उसकी अध्यक्षता की। ध्यान रखिएगा आप लोग, तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में किए और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वह बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव कहाँ पड़ता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ भी देता है, तो बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक राज्य में या कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा 1924। 1924 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। और सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलगांव में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब और कहाँ, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। ओके, सन दिया है, ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1924 और ऑप्शन डी है 1930। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर सही होगा बी 1929 में। 1929 में लाहौर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसी में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, बार बार ये भी पूछा जाता है कि 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर बी होगा 1929। प्रश्न को फिर देख लीजिए, पूर्ण स्वतंत्रता कह रहा है, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, कांग्रेस का हरिपुरा, कांग्रेस से तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न फिर एक बार देख लीजिए, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है गांधी जी और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा आप लोग, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो ऑप्शन एक बार फिर देख लीजिए, ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है लाला लाजपत राय और सी है गांधी जी और डी है मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर सही होगा ए सुभाष चंद्र बोस। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अधिवेशन 1938 में हुआ था और यह अधिवेशन माना जाता है कि हरिपुरा गांव में हुआ था। तो यह पहला अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गांव में हुआ था, हरिपुरा गांव में हुआ था। ओके, ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने 1924 में जो बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया। ऑप्शन है ए 1881, ऑप्शन है बी 1882 और ऑप्शन सी है 1901 और ऑप्शन डी है 1904। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर क्या सही होगा। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया 1881 में, इसका सही आंसर होगा ए, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और उस समय कभी कभी आपसे यह भी पूछ देता है कि जब प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में आया,
तो उस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन वायसराय थे, उनके समय में यह फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम यानी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया अथवा पारित हुआ, और वह यह स्पेशली बाल मजदूरों की सुरक्षा के लिए लाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे, और इस अधिनियम द्वारा बालकों को या बाल मजदूरों के सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। ऑप्शन ए है एन एम जोशी ने, ऑप्शन बी है वी पी वाडिया ने, और ऑप्शन सी है वी बी गिरी ने, और ऑप्शन डी है यस ए डांगे ने। तो इसका सही आंसर होगा बी वी पी वाडिया ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, वी पी वाडिया ने 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था। तो कहाँ पास हुआ था, ऑप्शन है ए बंबई में, बी कलकत्ता में, सी पूना में, और डी कराची में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए बंबई में। ध्यान रखिएगा आप लोग, बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कब पास हुआ था, 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से या बंबई में पास हुआ था, या इसका प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था, बंबई में। सन क्या था, 1942, 1942। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सती प्रथा का समर्थन किसने किया था। ध्यान रखना है, दो बार हो गया है, तो यहाँ पर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सती प्रथा का समर्थन किसने किया, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए है राधाकांत देव, राधाकांत देव। ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए, सती प्रथा का समर्थन किसने किया। ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसे में क्या होता है कि आप लोग राजा राम मोहन राय को आंसर में ट्रिक कर देते हैं। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थन या समर्थक नहीं थे, अपितु यह विरोधी थे। ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा को यह दूर करने की बात कहते थे, यानी भारतीय समाज में यह एक विकृति के रूप में थी, रूढ़िवादी प्रथा थी इसे, या एक बुराई थी जिसे राजा राम मोहन राय इस सती प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थे। जबकि राधाकांत देव का मानना था कि यह प्रथा गॉड गिफ्टेड है सती प्रथा, इसलिए समाज में यह प्रथा चलनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, तो इस समर्थक कौन थे, राधाकांत देव, और सती प्रथा के विरोधी कौन थे, राजा राम मोहन राय। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप लोगों से आयोग गलत करा देता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, 1829 के किस अधिनियम द्वारा सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया। प्रश्न को एक बार फिर आप लोग देख लीजिए।
1829 के किस अधिनियम द्वारा सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन, तो यह सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया 1829 के किस अधिनियम द्वारा? तो 17 द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1829 के अधिनियम 17 द्वारा इस सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया। तो इसमें सही आंसर होगा डी। ओके, और ध्यान रखिएगा आप लोग, सती प्रथा का जो अधिनियम, अवैधानिक अधिनियम जो पारित किया गया था, राज भारतीय जो पुनर्जागरण के पिता माना जाता है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन 1861 में स्थापित विधवा विवाह संघ का संस्थापक था? ध्यान रखिएगा प्रश्न आप लोग, कौन 1861 में स्थापित विधवा विवाह संघ का संस्थापक था? ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, महादेव गोविंद रानाडे ने 1861 में स्थापित विधवा विवाह संघ के संस्थापक थे, या विधवा विवाह संघ की स्थापना की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? प्रश्न को एक बार फिर आप लोग देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? ऑप्शन ए है 1940 में, ऑप्शन बी है 1943 में, ऑप्शन सी है 1945 में और ऑप्शन डी है 1944 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान 1943 में 1943 में संभाली थी। आइए पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ध्यान रखिएगा आप लोग, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए है 24 मार्च 1946, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल 1946 और ऑप्शन सी है 24 मई 1946 और ऑप्शन डी है 24 जून 1946। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और कैबिनेट इसलिए नाम रखा गया इस मिशन का, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वह ब्रिटिश संसद के कैबिनेट के मेंबर थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, तो यह कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, किसने कहा था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे? ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है लियाकत अली, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी,
लियाकत अली, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था उसमें वित्त मंत्री के पद पर लियाकत अली थे। तो ठीक है, ओके। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।